जय हिंद दोस्तों। पिछली कड़ी तक आप मराठा इतिहास की कहानियां सुन रहे थे। आज से हम लोग फिर भारत के 75 क्रांतिकारियों की गाथाएं दोबारा से आरंभ करते हैं, जिसके सारा माध्यम विवेक जी रहे हैं हमारे साथ, जो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसकी अगली कड़ी लाला हरदयाल जी के बारे में आपको बताएंगे, और आज की वक्ता हैं डॉक्टर रक्षा गीता। लाला हरदयाल जी के बारे में अधिक लोगों को मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है, ये सबको जानकारी है। प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। अधिक नहीं बताऊंगा आपको, केवल इतना ही कहूंगा कि अधिक जानकारी के लिए आप ये ग्रेट इंडियन जीनियस ऑफ हरदयाल भुवन लाल जी की लिखी हुई पुस्तक, अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। आरंभ करने के पहले मैं थोड़ा आपको ब्रिटिश साम्राज्य के समय की सेल्यूलर जेल, जिसको काला पानी कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन के समय जैसे ऐसे जो नेता हुआ करते थे जिनसे ब्रिटिश सरकार को डर लगता था, उन सबको वो सजा देने के लिए अंडमान में उन्होंने एक जगह ढूंढी, उनको वहां ले जाना शुरू किया। जगह बहुत अच्छी नहीं थी, हर तरह के इंसेक्ट, बिच्छू, सांप, ये सब हुआ करते थे वहां पे। पहला बैच वहां पे 200 व्यक्तियों का वो लोग लेके गए 1858 में, और वहां पे जितना जंगल वंगल था उसको साफ वाफ करवाया, और वहीं पे उनके रहने की व्यवस्था करी। वहीं पे उनको टॉर्चर वगैरह जो उनको करना था, जो उनसे काम लिया जाता था, वो वहां पे उन्होंने शुरू किया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि ज्यादा कैदी आएंगे, उसके लिए वहां पे एक जेल का निर्माण करना जरूरी है। तो 1896 में उन्होंने सेल्यूलर जेल का निर्माण कार्य आरंभ किया, जो 10 साल लगे उनको, 1906 में जाके कंप्लीट हुआ। वहां पे जो ये सेल्यूलर जेल थी, वो एक जैसे साइकिल के स्पोक्स होते हैं, उस तरीके से उसमें सात उसके अंदर भाग थे, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ। बीच में एक सेंट्रल टावर था, और उसमें सातों उनकी जो लंबी लंबी लाइनें थी, वो उसमें सारे जेल 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 में रहने वाले जो कैदी थे उनको रखा जाता था। एक एक सेल बहुत छोटा हुआ करता था। बोलते हैं 13x7, 13x7 बहुत छोटा सा सेल होता है। हाइट भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बस एक आदमी आराम से खड़ा हो सके, दैट्स ऑल। और ऊपर में एक रोशनदान होता था, जिसे वो बाहर नहीं झांक सकता था, उसी से उसके अंदर रोशनी आती थी। ये सातों इस तरीके से बनाए गए थे, जिससे कि एक की पीठ जो है वो दूसरे के सामने दिखाई दे, और हर सेल में एक कैदी रहता था, तो हमेशा के लिए उनको अकेलापन, किसी दूसरे का साथ भी नहीं मिलता था। पूरे दिन उनको काम करना पड़ता था। पहले भी मैंने बताया हुआ है, इतना अधिक तेल, चाहे नारियल का हो चाहे सरसों का हो, वो उनको निकाल के देना पड़ता था। और निकाल के देने के बाद जब अगर वो काम को पूरा नहीं करते थे, 30 पाउंड तेल मुझे बताया गया, 30 पाउंड तेल उनको रोज निकालना पड़ता था। अगर नहीं निकाल पाते थे तो उनको सजा मिलती थी, कोड़े पड़ते थे, बेड़ियों में डाल देते थे। एक होती है बांगड़ बेड़ी, ऐसी कुछ नाम बताया, ऐसे वो बेड़ी सी रहती थी, बड़ा मुश्किल है उस बेड़ी के अंदर बंधना। तो इस तरीके से वहां पे कैदियों को टॉर्चर किया जाता था, और वहां पे जो उनको खाना दिया जाता था, रूखा सूखा और पर्याप्त भी नहीं था। पर्याप्त खाना एक आदमी को मिले तो आदमी कोशिश कर सकता है कि जो भी सजा है, जो भी काम करना है, वो अच्छे से कर सके, लेकिन पर्याप्त भोजन भी नहीं था। ऐसी स्थिति में उनको रखा जाता था। वहां पे स्वतंत्रता के जो सेनानी थे, सावरकर बंधु दोनों, एक तो एक की कहानी तो विवेक जी के मुंह से आपने बहुत पहले सुनी हुई है, मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। बटुकेश्वर दत्त, बाबूराम बाबूराम हरी, पुलिन दास,
गुरुमुख सिंह, भाई परमानंद, बरिंद्र कुमार घोष, ऐसे कई हमारे क्रांतिकारी कैदियों को वहां पे रखा गया। सबसे बड़ी तकलीफ वहां पे ये थी कि फिजिकल वर्क के अलावा उनको जो अकेलापन था, ये मानसिक रूप से आदमी को तोड़ने वाला था। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या कर लेते थे, बहुत सारे लोग पागल हो जाते थे ऐसी स्थिति में। और क्या हो सकता है जब मानसिक, जब मानसिक रूप से जो प्रताड़ना होती है उससे आदमी पागल भी हो जाएगा, फिजिकल में खाना नहीं मिलेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा, उसके अंदर आदमी टूट जाता है। और यही उनकी मंशा थी ब्रिटिशर्स की, कि जितने भी हमारे आतंकवादी, आतंकवादी उनके लिए आतंकवादी, हमारे लिए क्रांतिकारी। उनकी इच्छा थी कि उनका मनोबल एकदम टूट जाना चाहिए। 1939 में जाकर ये जेल को उन्होंने बंद किया। कुछ साल तक वो बंद ही रही, उसके बाद वहां पे जापानी आ गए, जापानियों ने अंडमान पूरे आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके तीन विंग्स जो हैं, अपनी बैरक्स बनाने के लिए उन्होंने वो तीन विंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में दो विंग्स और जो हैं वो क्षति हो गई, उनकी खंडहर से हो गए, तो अल्टीमेटली वहां पे दो ही विंग्स बचे। 1943 में सबको मालूम है सुभाष बोस जी वहां पे गए थे, वहां पे उन्होंने अपना झंडा फहराया था और निकोबार और अंडमान द्वीपों का नाम रख लिया था स्वराज और शहीद द्वीप, क्योंकि वहीं से उन्होंने आजादी का ऐलान भी किया था, आजाद भारत का ऐलान किया था, इसलिए इन द्वीपों का नाम रख लिया स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। 1947 के बाद जब आजादी हो गई भारत की, तो ये मांग उठी कि इसको हमको राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहिए। ये मांग उस समय पूरी नहीं हुई। 1979 में जाके जब जनता की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें मुरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस मांग को पूरा किया और यहां पे आके इसको राष्ट्र को समर्पित किया। तो दोस्तों, आज ये सेल्युलर जेल जो है राष्ट्रीय स्मारक है, और यहाँ पे आप लोग जरूर जाइए, अंडमान जाइए, देख के आइए कैसे कैसे हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे आजादी के लिए लड़ने वालों ने किस तरह की यातनाएं यहाँ झेली। यहाँ पे म्यूजियम भी मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत तरह की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अधिक देरी नहीं करते हुए मैं डॉक्टर रक्षा गीता जी को का इंट्रोडक्शन विवेक जी को बोलता हूँ, आपको इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद डॉक्टर रक्षा गीता हमको लाला हरदयाल जी के बारे में बताएंगे। विवेक जी। धन्यवाद सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे बीच लाला हरदयाल के विषय में जानकारी देने के लिए डॉक्टर रक्षा गीता जी उपस्थित हैं, और मैम आपका परिचय करवाने के लिए मैं उपस्थित हूं। और आपके विषय में अगर हम बात करें तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर कालिंदी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आप कार्यरत हैं, और आपने हिंदी की लगभग सभी विधाओं में लेखन कार्य किया है। आपकी विशेष रुचियों की अगर हम बात करें तो आप कहानी, व्यंग, कविता, फिल्मी लेखन में आपकी विशेष रुचि है, और आगाज वन एक्ट संस्था जो कि कालिंदी महाविद्यालय के लिए ही जो है बनी हुई है, और उसमें आपने विभिन्न नाटकों का लेखन और निर्देशन कार्य भी किया है, और विश्व महाविद्यालय की वार्षिक अकादमी जनरल है तो आप हिंदी भाग के संपादक मंडल में भी आप पिछले 4 वर्षों से कार्यरत हैं, और आपके लेखन और आलेख लेख और फिल्म समीक्षाओं का आपने प्रकाशन भी किया है। तो अधिक समय न नष्ट करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हम सभी को लाला हरदयाल के विषय में जानकारी प्रदान करें। डॉक्टर रक्षा गीता मैम। धन्यवाद विवेक जी। सभी को नमस्कार। आदरणीय श्री आर एच डालमिया जी, विवेक मिश्र जी, मैं आप सभी को और दीपक जी सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि
आप अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्हें भुला दिया गया अथवा कोशिश ही नहीं की गई कि इतिहास में जो उनका योगदान है वो जनता के सामने रखा जाए। ये बहुत अनिवार्य है कि हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके उनकी शहादत को आज के युवा हमारी जो युवा पीढ़ी है उन तक पहुंचाए। हो सकता है कि मैं जो बात कहने जा रही हूँ आपको अजीब लगे, लेकिन ये सत्य है कि जब हम एक ही विचार, एक ही बात, एक ही भाव को बार बार सुनते रहते हैं तो हम उकता जाते हैं, और एक ही विचार समय के साथ बदल भी जाते हैं, उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी हुआ। कुछ अतिरेकता के कारण, कुछ महिमा मंडन के कारण हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हाशिए पर चले गए, और इसलिए हमें आज ये जरूरत है कि हम उन हाशिए पर जो हमारे गुमनाम सितारे हैं उन पर बात करें, उनके संग्राम को, उनकी शहादत को, उनके कर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र को हम आज की जनता तक पहुंचाएं। मुझे संदेह है कि हमारे बहुत से युवा लोग आज हरदयाल जी से परिचित होंगे, बहुत कम लोग उनसे परिचित होंगे। आज हम उन्हीं पर अपनी इस परिचर्चा को रख रहे हैं, और मुझे तो तब आश्चर्य हुआ कि जब मैं उन पर पढ़ रही थी तो मैंने देखा उन्होंने कितना समृद्ध साहित्य लिखा है, लेकिन जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो मुझे अफसोस होता है कि उनका नाम हमें कहीं नहीं दिखाई देता, जो कि आना चाहिए था। लाला हरदयाल जी उन प्रखर योद्धाओं में थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए वास्तव में अपना संपूर्ण जीवन होम कर दिया। वो दुनिया के चाहे किसी भी भाग में रहे हों, किसी भी हिस्से में रहे हों, लेकिन उनके हृदय में भारत माता की चिंता हमेशा बनी रही, जो कि हमारी बेड़ियों में कैद थी उस समय। उनके मन में हमेशा यही रहता कि कैसे भारत माँ की इन बेड़ियों को हम आजाद कराएं, हमारा देश एक आजाद देश के रूप में सामने आए। वर्तमान सरकार इस क्षेत्र में सराहनीय काम कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव, हम सभी परिचित हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरा भारत स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग हीरोज या कहें गुमनाम सितारे जिन्हें भुला दिया गया है उनको श्रद्धांजलि देने का एक बहुत सुंदर उपक्रम है। श्री आदरणीय डालमिया जी और विवेक मिश्र जी का यह कार्यक्रम इस श्रृंखला की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ सर कि मैं इस श्रृंखला में अपना छोटा सा योगदान दे पा रही हूँ। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि लाला हरदयाल जी के व्यक्तित्व से, उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर वे देश के गौरव की अस्मिता को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। लाला हरदयाल जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के न केवल निर्भीक योद्धा थे बल्कि ओजस्वी प्रखर वाणी के प्रतिष्ठित लेखक भी थे, लेकिन यह बहुत कम ही हो पाता है कि जब हम देखते हैं कि राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्रों में एक साथ जागरण की अलख जगाने वाला कोई व्यक्तित्व हमारे सामने हो। लाला हरदयाल जी ऐसे ही व्यक्तित्व थे जिन्हें न केवल राजनीति की समझ थी, सामाजिक की समझ थी, हमारे देश की संस्कृति से वे पूरी तरह से जुड़े हुए थे, बल्कि साहित्य लेखन में भी वे पूरी प्रखरता के साथ अपना योगदान दे रहे थे। जब वे विदेशों में थे उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो यही किया कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के भीतर आजादी की ज्योति को प्रज्वलित किया, जो आसान कतई नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छे सुविधा संपन्न जीवन की लालसा में विदेशों में भारतीयों को यह समझाना, कहना और प्रेरित करना कि भारत लौटो, संघर्ष करो या फिर यहीं रहकर स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करो, यह उनकी वाणी ही का चमत्कार था कि लोग उनकी मदद को आगे आते थे। प्रमुख पत्रकार हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जो उनके विषय में लिखते हैं कि लाला जी के आलस्य त्याग, अहंकार शून्यता, सरलता, विद्वता, भाषा पर आधिपत्य, बुद्धि प्रखरता, राष्ट्रभक्ति की ओज तथा पर दुख में संवेदनशीलता जैसे असाधारण गुणों के कारण कोई व्यक्ति एक बार अगर उनका दर्शन कर लेता था तो मुग्ध हुए बिना नहीं रह पाता था। आगे अब हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1884 दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज के पीछे चीरखाना मोहल्ले के एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनकी माताजी भोली रानी और पिताजी गौरी दयाल माथुर थे। परिवार में शिक्षा का माहौल था, आर्य समाज का भी प्रभाव था,
बचपन में ही उन्होंने रामचरितमानस और कई वीर काव्यों का अध्ययन कर लिया था। बहुत छोटी सी आयु में ही वे इन सबको ना केवल अध्ययन करते थे बल्कि आत्मसात भी करते थे। धर्म के कर्म कांडों में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन भारतीय दर्शन और संस्कृति इसके प्रति उनकी गहन आस्था थी। दिल्ली में ही उनके एक मास्टर अमीर चंद हुआ करते थे, जिन्होंने गुप्त क्रांतिकारी गुट नामक एक संस्था चलाई हुई थी देश की आजादी के लिए, और यहीं से उनके ऊपर देशभक्ति का प्रभाव पड़ा। वे अत्यंत स्वाभिमानी और शतावधानी बुद्धि के धनी थे, यानी असाधारण स्मरण शक्ति उनमें थी। शतावधानी शब्द की बात करें तो यानी एक साथ 100 तरह की बातों को सुनकर भी पढ़कर हूबहू क्रमबद्ध रूप में वो अभिव्यक्त कर देते थे, और परीक्षा में अधिकतर उन्हें 100% अंक मिला करते थे। आज आपने पॉडकास्ट या यूट्यूब पर स्टोरी टेलर के बारे में सुना होगा, आपका पढ़ने का मन नहीं करता तो आप सुन लिया करते हैं कहानी। इसी प्रयोग को उस समय माने इतने वर्षों पहले उनके मित्र किया करते थे। वे कहते थे कि आप हमें शेक्सपियर का नाटक सुना दें, और लाला जी बिना किसी रुके उसका वाचन कर दिया करते थे। तो ये था उनका एक महत्वपूर्ण पक्ष जो उनकी ना केवल स्मरण शक्ति का था बल्कि उनकी बोलने की जो एक वाणी जो उनको एक हम कह सकते हैं कि सरस्वती की कृपा उन पर थी। स्वाभिमान भी उनमें कूट कूट कर भरा था। लाहौर की यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA, शायद आपने नाम सुना हो, अभी भी हमारे यहाँ भारत में ये संस्था है। लेकिन एक बार वे वहां जाया करते थे, एक बार उनके सचिव से उनका विवाद हुआ, तब उन्होंने निश्चय किया कि भाई नहीं, हम हमारी भारतीय एक संस्था बनाएंगे। तब उन्होंने भारतीय यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, और ये दिखा दिया कि भारतीय अस्मिता और अस्तित्व का क्या अर्थ है। ये विडंबना ही है कि भारत की आजादी के बाद आज भी YMCA संचालित है, जबकि YMIA जिसकी स्थापना हमारे क्रांतिकारी लाला हरदयाल जी ने की थी उस पर अभी कोई इस तरह का हमें नाम नहीं मिलता। उस समय सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा गीत लिखने वाले इकबाल जी, उनसे तो हम सभी परिचित हैं, उन्होंने इस संस्था और उनके उद्देश्य के महत्व को समझते हुए इस संस्था के उद्घाटन में अध्यक्ष बनना स्वीकार किया, और इस गीत को यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस गीत को कई दफा गाया। और हमें यह लगता है कि ये जो संस्था है और जो लाला जी के उद्देश्य थे, हरदयाल जी के उद्देश्य थे, उनका कर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र और संग्राम का संघर्ष था, वो इस घटना से हमें पता लगता है, जो उन्हें आज उन ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां पर वे अभी तक उपेक्षित हैं। भारतीय समाज और संस्कृति के युवाओं को वे प्रेरणादायक ढंग से कहते हैं कि जब कोई जाति जागृत होती है तो कई कठिन कार्य एक साथ कर डालती है, उसमें इतना उत्साह होता है कि सब कुछ आसान हो जाता है। जब तक कोई व्यक्ति आलस्य में भीतर पड़ा रहता है बिस्तर में, तब तक तो उसके घर में मकड़ी के जाले, गर्दा, कूड़ा करकट एकत्रित होते रहते हैं, लेकिन एक बार जब वह झाड़ू लेकर सफाई पर तत्पर हो जाता है तो वो एक सच्चे उत्साहित और शक्ति के साथ काम करने लगता है। मेरा तात्पर्य है कि जब तक लाला हरदयाल जी के ही शब्द हैं कि मेरा तात्पर्य है कि जब तक हिंदू पराधीन और आलसी है तब तक इन सब पर चारों ओर संकट है। और हम देख सकते हैं कि ये वाक्य आज भी कितने प्रासंगिक है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा उन्होंने दिल्ली के कैम्ब्रिज स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज से की, लेकिन बावजूद इसके कभी भी अंग्रेजी का प्रभाव या अंग्रेजियत की भावना उनके भीतर नहीं आई, बल्कि इसके विपरीत भारतीय संस्कृति और साहित्य और दर्शन हमेशा उन्हें आकर्षित करता रहा, और उनका उन्होंने गहन अध्ययन भी किया। लाहौर यूनिवर्सिटी से उन्होंने संस्कृत में MA किया। उनकी शैक्षणिक योग्यता के बल पर ही उन्हें 1905 में 200 पाउंड, जो बहुत अच्छी मतलब रकम है, की छात्रवृत्ति मिली। इस घटना पर प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक खुशवंत सिंह लिखते हैं, जिक्र करते हैं कि मैं छोटा था जब हर किसी के मुंह पर उनके नाम के चर्चे सुना करता था कि भाई लाला हरदयाल कौन है जिन्हें 200 पाउंड की छात्रवृत्ति मिली। और आगे वो ये भी लिखते हैं कि अंग्रेजी साहित्य ने लाला हरदयाल जी साहित्य पर लाला हरदयाल जी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। स्कॉलरशिप के बाद वे ऑक्सफोर्ड चले गए जहां उन्हें 2 अन्य छात्रवृत्तियां भी मिली, लेकिन 1905 में जब अंग्रेजों की कूटनीति के कारण बंग भंग हुआ तो वो विचलित हो उठे, और स्वदेशी आंदोलन जो अंग्रेजों के माध्यम से कुचला जा रहा था उनसे बर्दाश्त ना हुआ, वे भारत लौट आए। ये वो समय था जबकि उनके मित्र और सहयोगी इंडियन सिविल सर्विसेज
में उन्हें प्रबल दावेदार मान रहे थे, लेकिन उन्होंने देश सेवा को प्रमुखता देते हुए कहा, टू हेल विद आईसीएस। ये वही परीक्षा है जिसे सुभाष चंद्र बोस जी ने भी उत्तीर्ण किया था, लेकिन उस समय लाला हरदयाल जी को लगा कि अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजों को देश से खदेड़ना ही होगा, हम उनकी सेवा क्यों करें जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है, और भाड़ में जाए आईसीएस कहकर वे देश सेवा में लग गए। शिक्षा का महत्व उन्होंने लेकिन हमेशा समझा, इसलिए अमेरिका में भी उन्होंने श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा संचालित इंडिया हाउस की तरह एक संस्था के रूप में एक संस्था बनाई और उसमें करतार सिंह सराभा, विष्णु पिंगले जैसे 6 भारतीयों को अमेरिका में पढ़ने के लिए बुलाया। यहाँ उनकी मदद तेजा सिंह और तारकनाथ दास जी ने की। इसके अतिरिक्त गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल स्कॉलरशिप फंड बनाने के लिए उनकी मदद एक अमीर किसान ज्वाला सिंह जी ने भी की। भारत आने पर 1907 में उन्होंने श्याम कृष्ण वर्मा के संपादन में निकलने वाली पत्रिका इंडियन सोशलिस्ट में सरकार के विरुद्ध बहुत कड़े लेख लिखे, जिनसे प्रभावित होकर कई नवयुवक विद्रोह पर उतर आए और तब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई। लाला लाजपत राय जी, जब ये उन्हें मालूम पड़ा कि लाला हरदयाल जी को गिरफ्तार करने की योजना बन रही है, तो उन्होंने कहा, लाला जी को बुलाकर कहा कि भाई तुम्हारे जैसे प्रखर और प्रतिभावान योद्धा को देश की जरूरत है, अतः तुम देश छोड़ जाओ और पेरिस चले जाओ और वहां से अपने शुभ कार्य को अंजाम देते रहो। ये जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये बात उन्हें भी समझ आ गई कि गिरफ्तारी के बाद उनका संघर्ष शायद अवरुद्ध हो जाए और स्वतंत्रता के इस संग्राम पर तनिक भी विराम उनको उस समय पसंद नहीं था। लेकिन पेरिस आकर जब वे भिखाजी कामा, श्याम कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर जी से मिले, तो आजादी का उनका लक्ष्य और भी दृढ़ हो गया। वे दुगने उत्साह के साथ कर्म क्षेत्र में उतर आए। मैडम कामा जी ने उन्हें एक पत्रिका जो थी उस समय निकल रही थी, वंदे मातरम का कार्यभार सौंपा, जिसका प्रथम अंक मदन लाल ढींगरा जी को समर्पित था। इसी के साथ साथ तलवार नामक एक पत्रिका निकला करती थी, जो वीर योद्धाओं के ऊपर आधारित थी, जिसमें वे लिखा करते थे ताकि देशभक्ति के जो एक अलग है वो उस समय के नवयुवकों में आ जाए। वे पेरिस में एक प्रचार केंद्र भी बनाना चाहते थे, लेकिन समुचित संसाधन वे ना जुटा पाए, जिसके कारण वे निराश होकर 1910 में अल्जीरिया चले गए। लामर्तनिक द्वीप में एकांतवासी योगी बन समाधिस्थ हो गए। तब हमारे भाई परमानंद जी ने उन्हें पुनः सशस्त्र क्रांति संग्राम की ओर प्रेरित करने हेतु उन्हें खोजना आरंभ किया। बात 1910-11 के बीच की है, जब परमानंद जी उनके देश प्रेम और संघर्ष के महत्व को जानते हुए खोजते खोजते उन्हें फ्रांस के मार्टिनिक टापू पर पहुंचे। वे हैरान थे कि वो बिल्कुल एकदम शांत सन्यासी सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। हालांकि ये वह समय था उनके लिए कि वे अपने भीतर ऊर्जा संचित कर रहे थे, बिल्कुल महात्मा बुद्ध के समान, क्योंकि उन पे महात्मा बुद्ध का बहुत ज्यादा प्रभाव भी था और वे वहां पर उबला हुआ भोजन ग्रहण कर रहे थे। तब भाई परमानंद जी के मार्गदर्शन से वे पुनः संग्राम में उतर आए। आपकी जानकारी हेतु बता रही हूँ कि उनका जीवन विविध आयामों से गुजरा। बहुमुखी प्रतिभा धनी के लाला जी 13 भाषाओं के ज्ञाता थे। वे जिस देश में जाते कुछ ही महीनों में वहां की भाषा और बोलना ही नहीं लिखना भी सीख लेते थे, और सारी दुनिया का इतिहास जैसे आज गूगल विकिपीडिया पर आपको उपलब्ध है, उसी तरह उनको रटा हुआ था। भारतीय संस्कृति और दर्शन को वे सर्वोत्तम मानते थे। उनका लेखन जो है वो विविध संस्कृतियों के अनमोल तत्वों का खजाना है, जो बेसिकली मानवता के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीति और दर्शन के व्याख्याता के रूप में वे अमेरिका विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी करते थे। हिंदू दर्शन शास्त्र उनका उस समय विषय हुआ करता था, जिसका उन्होंने गहन अध्ययन भी किया था। अतः हम देख सकते हैं कि आज जरूरत है उनके उस साहित्य का पुनरावलोकन करने का, ताकि हम चाहते हैं कि उनका साहित्य आज का विद्यार्थी पढ़े, क्योंकि साहित्य अगर समाज का दर्पण है तो मार्गदर्शक भी है। स्वराज्य की संकल्पना पर लाला हरदयाल जी लिखते हैं कि शिक्षा जो है यही स्वराज्य की सीधी राह है, इससे दासता की बेड़ियां मिट जाएगी। परंतु क्या यह आंदोलन कोई नया आंदोलन है? क्या यह क्रांति आज आरंभ हुई है? क्या हम लोग इसके जन्मदाता है? नहीं, कदापि नहीं। इस आंदोलन के उत्पादक और जन्मदाता तो हमारे वैदिक ऋषि मुनि हैं, श्री राम, श्री कृष्ण,
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बुद्ध, अशोक, गुरु गोविंद सिंह, वीर बैरागी, शिवाजी महाराज, रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रसाल, दुर्गादास राठौर और स्वामी श्रद्धानंद। और ये आंदोलन हजारों वर्षों से चला आ रहा है, और मैं समझती हूँ कि आज के स्वतंत्र भारत में भी इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह संघर्ष जारी है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी गदर पार्टी के बारे में। 1857 का गदर, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन वो असफल एक आंदोलन था। बावजूद इसके, उस आंदोलन ने बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी। लाला हरदयाल जी ने भी इसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर गदर पार्टी की स्थापना की। यह गदर पार्टी विदेश में भारतीय प्रवासियों के द्वारा स्थापित की गई थी, जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे। महत्वपूर्ण एक इस पार्टी की एक विशेषता यह भी थी कि इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक या सांप्रदायिक या जातिगत भेदभाव ना था, क्योंकि लाला जी मानते थे कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है और स्वतंत्रता के लक्ष्य में धर्म आगे नहीं आना चाहिए। इस पार्टी का जो राष्ट्रीय गीत था उस समय, वो वंदे मातरम था। इस पार्टी ने ईरान, इराक, अरब, अफगानिस्तान और पंजाब के सिखों से सहयोग लिया और एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, और उनका उद्देश्य उस समय यह था कि भारी मात्रा में गोला बारूद भारत भेजा जाए, और इसके लिए राश बिहारी, शची चंद्र नाथ सान्याल, गणेश पिंगले, करतार सिंह आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लेकिन अफसोस, ब्रिटिशों ने अपने गुप्तचर इस पार्टी में शामिल करवा दिए थे और उन्हें इस योजना का पता चल गया, और तब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किन्हीं को फांसी हुई, किन्हीं को सजाए काला पानी। इसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी याद किया जाता है। 23 दिसंबर 1912 का समय, राज बिहारी बोस, वसंत विश्वास, अमीचंद, इन्होंने दिल्ली के वारसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किया। ये वो समय था कि बम से हमला करना कोई, और वो भी एक वारसराय पर, कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं थी। अमेरिका में लाला जी को जब ये खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तब उन्होंने वहां के अमेरिका के नालंदा हॉस्टल में मिठाई बांटी और अपने जोरदार भाषण के साथ युवाओं को प्रोत्साहित किया कि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। और उस समय वे मीर का शेर पढ़ते हैं, पगड़ी अपनी संभालिएगा मीर, ये और बस्ती नहीं दिल्ली है। यानी उन्होंने जता दिया कि अंग्रेजों का ताज अब खतरे में है। अपने उस समय के क्रांतिकारी अखबार युगांतर में उन्होंने इस घटना को बहुत ही मतलब अपनी लेखनी से और ज्यादा प्रखर बना दिया, और घर घर में इस घटना की ज्वाला जो है वो मशाल का काम करने लगी। इसी क्रांति के संदर्भ में एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि अमेरिका के मजदूरों तक को उन्होंने संगठित किया, यानी देश सेवा के लिए वो जन जन से जुड़े थे। हमें लग सकता है, या कहा जा सकता है कि विदेश में तो ये सब आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने मजदूरों तक को वहां पर संगठित किया। उस समय सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में प्रशांत तट की एक हिंदी एसोसिएशन बनाई। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में दुनिया भर के भारतीय क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभाला, और उनकी पार्टी का जो प्रसिद्ध नारा था वो ये था कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेतु, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू न छोड़े के। यानी हम मर जाए कट जाए, पर युद्ध क्षेत्र से पलायन नहीं करना है। एक और महत्वपूर्ण घटना, जब कनाडा अमेरिका में बसे सिखों को उन्होंने देश सेवा के लिए प्रेरित किया, और लेकिन अंग्रेजों की अमानवीयता के कारण उन्हें उनका जो ये संग्राम था वो पूरा नहीं हो सका, और उनका जो जहाज था वो उन्हें वहां पर पोर्ट पर उतरने नहीं दिया गया। 2 महीने तक वो जहाज जिसमें हमारे सिख भाई थे वो वहां पर खड़ा रहा। बहुत से लोग खाने पीने की कमी से मर गए, गोली के शिकार हुए, और तब लाला जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध इस अमानवीय कृत्य पर लिखा। तब भारतीयों को ये एहसास हुआ कि हम अंग्रेजों से असहयोग करेंगे। मैं यह इसलिए बता रही हूँ कि ये वह दृश्य है, परिदृश्य है सॉरी, कि जब महात्मा गांधी इस आंदोलन से अभी बहुत दूर थे, लेकिन लाला जी उस समय भी असहयोग, स्वदेश, स्वराज्य की संकल्पना के साथ देश का मार्गदर्शन कर रहे थे। भले ही उनके आंदोलन सफल ना हुए, लेकिन आजादी की ज्वाला से उन्होंने अपने, जैसे कहते एक ज्योत से ज्योत जलाना, तो ये पूरे भारत में ये ज्वाला जल रही थी।
और वो दूर रहकर भी इतने मतलब भारत में नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके वे भारत में संग्राम का एक परिदृश्य और फलक तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने न जाने कितने बीजों को खाद पानी देने का काम किया। उनके साहित्य पर गणेश शंकर विद्यार्थी क्या लिखते हैं, कहते हैं कि उनकी भाषा ओज और इतनी ओज थी कि मृत प्राय व्यक्ति जो था उनकी नसों में भी पुनः ऊर्जा का संचार हो जाया करता था। यहाँ तक कि उनके विरोधी भी उनके लेखन से डरा करते थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम मैं बता रही हूँ, हमारी शैक्षणिक समस्याएं, शिक्षा पर विचार, हिंदू की सामाजिक जीत, राइटिंग ऑफ हरदयाल, जर्मनी और टर्की के 44 माह, लाला हरदयाल के स्वाधीन विचार, आत्म संस्कृति के संकेत, विश्व धर्मों की झलक तथा बोधिसत्व सिद्धांत। उन्होंने महात्मा बुद्ध और भारतीय दर्शन से संबंधित विषय पर पीएचडी भी की, जो पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। भारत की आजादी के लिए संघर्ष हेतु भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1987 में एक डाक टिकट जारी किया। अपने अंतिम समय में लाला हरदयाल जी भारत आना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनको ये इजाजत नहीं दी। लेकिन जब 1939 4 मार्च को वे भारत आने के लिए तैयार थे, तो फिलाडेल्फिया में उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। उनके मित्र हनुमंत सहाय जी अपने जीवन के अंत तक यही आरोप लगाते रहे कि उनकी जहर देकर हत्या हुई है, यह मौत स्वाभाविक नहीं है। वैसे भी लाला हरदयाल जी जैसे व्यक्तित्व का जीवन एक सामान्य जीवन नहीं था। मैं उनकी शहादत को सलाम करती हूँ। मैं उन्हें करबद्ध प्रणाम करते हुए आज विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ और आपसे कहना चाहती हूँ कि ये मेरा एक विनम्र प्रयास है जो कहीं ना कहीं एक देशभक्ति से ही उपजा है, और इसके लिए इसका मैं सारा श्रेय हमारे आदरणीय डालमिया सर जी को भी देती हूँ, विवेक मिश्र जी को भी देती हूँ, और उन तमाम सामग्री को भी मैं देती हूँ जो मुझे अलग अलग वेबसाइट्स पर उपलब्ध हुई। उनकी दो पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया था जो मुझे ई पुस्तकालय पर मिली। एक थी लाला हरदयाल के स्वाधीन विचार और दूसरी थी व्यक्तित्व का विकास, संघर्ष और सफलता। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी भी उनके ऊपर शोध और अध्ययन बहुत बाकी है, और ना केवल उनके ऊपर बल्कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम सितारे हैं उन पर हमें जरूर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से क्रांतिकारी लाला हरदयाल के विषय में हम सभी को जानकारी दी। और यदि कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिखें और उनके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हम लोगों ने एक पुस्तक संपादित की है और उसमें डॉक्टर रक्षा गीता मैम ने लाला हरदयाल पर अपना एक चैप्टर लिखा है, अपना एक अध्याय लिखा है, और वो पुस्तक प्रभात प्रकाशन में प्रकाशित हो गई है, जो आपको दिख रही होगी, आजादी @75 क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा। यह पुस्तक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी जो भी ऑनलाइन साइट्स हैं उन पर आपको उपलब्ध हो जाएगी और आप वहां से खरीद सकते हैं। और आप क्रांतिकारियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। आगे प्रश्नोत्तरी के लिए मैं श्री दीपक जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और यदि कोई प्रश्न हो तो उन पर चर्चा कर ली जाए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद विवेक जी। मैम, एक प्रश्न, मैंने जितना हरदयाल जी के बारे में पढ़ा है, एक प्रश्न वहां से आता है कि हरदयाल जी को ऑक्सफोर्ड की 2 बार स्कॉलरशिप मिली थी और दोनों बार उन्होंने त्याग दी थी, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, उन्होंने उन्हें जब ये ऑक्सफोर्ड की जब स्कॉलरशिप मिली थी तो उसके पीछे छोड़ने का यही कारण था। मैंने इसमें बोला भी था कि उन्हें लगा कि मुझे देश की सेवा करनी है, और जिस अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी पद्धति जिसने हमें गुलाम बना रखा है, तो वो उससे नहीं जुड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनको वापस कर दिया था। जी मैम, वी बसीनी जी का एक प्रश्न है कि तो असहयोग आंदोलन लाला हरदयाल जी ने शुरू किया था, गांधी जी ने सिर्फ उसका प्रचार प्रसार किया, इस पे कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे तो? हाँ जी, जिस समय जो मैंने आपको बताया कि
जब एक सिखों का पूरा जहाज भारत आ रहा था और उसे भारत में उतरने नहीं दिया गया, और उस मतलब 2 महीने तक वो समुद्र में रहा, उस समय बहुत अमानवीयता के साथ उनको उनके साथ व्यवहार किया गया। जो जिन्होंने भागने की कोशिश की उन्हें गोलियों से मार दिया गया, भूखे प्यासे बीमार वे लोग वहां पड़े रहे। तो ये एक ऐसी अमानवीय त्रासदी थी जिसके विषय पर लाला जी ने बहुत लिखा, प्रखरता से लिखा। और उसके बाद जब लोगों तक इसकी जानकारी पहुंची तो लोगों को लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, और अब उन्होंने कहा कि अब हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। तो अंग्रेजों का साथ नहीं देना, यही असहयोग था। तो मैं ये एक्चुअली मैं ये जब पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में यही था कि जो असहयोग की भावना है वो आपको वहां से आरंभ होती हुई मिल रही है, जिस पर कोई बात ही नहीं करता, बात करना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि उस पर बात करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं बस यही बता रही थी कि असहयोग शब्द जो है वहां से इसको लेना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए। जी मैम, मैं निवेदन करूंगा श्री डालमिया जी से, सर आपका अगर आज से विषय संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। सर आप म्यूट हैं। ये जो असहयोग आंदोलन के बारे में आपने बात बताई, ये आज एक नई बात समझ में आई कि वो शिप वहां पे आया, उसको नहीं उतरने दिया गया, तो वहां से फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। जो मेरे पास पहले नॉलेज थी वो ये थी कि एक तो रॉलेट एक्ट आया और एक ये जलियांवाला बाग हुआ, वहां से कांग्रेस और गांधी जी के मन में आया कि हमको अंग्रेजों के साथ असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। तो ये आज एक नया ज्ञान मिला कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसका टाइमलाइन आप कुछ आइडिया है क्या गीता जी? क्योंकि नहीं, टाइमलाइन मैं आपको बता दूंगी लेकिन अभी इस समय बिल्कुल नहीं बता पा रही हूँ मैं। सर रोलेट एक्ट 1919 में आया था, ये 1911-12 ये आजादी विश्व युद्ध के टाइम का समय है, 11-12-13 के बीच का समय है। तो उस समय तो गांधी जी आए ही नहीं थे यहाँ भारत, वो उस समय पिक्चर में नहीं थे, मैं वही बता रही हूँ ना, वो उस समय बहुत दूर थे, आंदोलन से बहुत दूर थे। मैं एक्चुअली यही बताना अपनी बात रखना चाह रही थी कि उस समय तो वे इस परिदृश्य में नहीं थे। हम ठीक है, हमारे गांधी जी ने हमारे लिए देश के लिए बहुत किया, लेकिन मैं ये बस एक इतनी सी बात अपनी यूं समझ लीजिए रखना चाह रही हूँ कि जो चीज वहां से शुरू भी हुई है तो उसको भी हमें याद रखना चाहिए, उस पर भी हमको आना चाहिए। हाँ हाँ वो तो बिल्कुल, जब हम शोध करते हैं, हम जब असहयोग शब्द की शोध करते हैं तो हमें वहां पर भी तो पहुंचना चाहिए ना, ये मैं बस थोड़ा सा कहना चाह रही थी। मतलब गांधी जी का इससे संबंध नहीं था? नहीं नहीं, गांधी जी से कोई उस समय संबंध नहीं था। मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग होती इसके अंदर। और एक जो आज आपने बात बताई और सही बात की है कि लाला हरदयाल जी भी उस समय समझते थे कि हिंदू अगर आलसी रहेगा तो फिर वो हमेशा कभी भी क्रांति की तरफ या अपने उत्थान की तरफ नहीं जा सकता। आज आपने ये बोला कि आज भी हमारे भारत की यही स्थिति है। मैं इसमें खाली एक लाइन और ऐड करूंगा कि आलसी के साथ साथ आज का हिंदू स्वार्थी भी है, और इसीलिए वो अपना ईमान बेचने को तैयार है केवल छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए। आज हमारे पॉलिटिशियंस राजनीतिक जितने भी हैं वो हिंदू को इसी से खरीद लेते हैं, फ्री फ्री फ्री, और हिंदू जो है वो बिक जाता है और वो वोट देने को तैयार हो जाता है। तो ये हमारी हिंदुओं की बहुत बड़ी समस्या है, जो हमको अपने आप को सोचना होगा कि इस कारण से हम राष्ट्र को कहां ले जा रहे हैं, हिंदू धर्म को कहां ले जा रहे हैं, सनातन धर्म को कहां ले जा रहे हैं, और हिंदुओं का भविष्य क्या है। जी बिल्कुल, इस संदर्भ में मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि इनकी पुस्तक जो है वो अंग्रेजी लिटरेचर में लगी हुई है, मतलब अंग्रेजी साहित्य के बच्चे उसको पढ़ते हैं, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर।
तो मुझे लगता है, और उनके उनकी पुस्तकों का हमें हर कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की पुस्तकों को हमारे हिंदी के विद्यार्थियों को भी पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए, रक्षक ये मुझे किसकी ऐसा लगता पुस्तक है, ये है। ये किसकी लाला लिखी हरदयाल पुस्तक जी ने है? लिखी है, ये अच्छा, लाला लाला जी हरदयाल की जी लिखी हुई है। है। अच्छा, जी लाला जी जी की लिखी हुई है। जी हाँ जी, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, जो कि हिंदी में उपलब्ध है, व्यक्तित्व विकास संघर्ष और सफलता के नाम से उपलब्ध है, तो ये आज भी मिल हमारे जाएगी बच्चों क्या? को पढ़ना चाहिए। जी हाँ मिल जाएगी, ये वहां पर है, ये मुझे ई पुस्तकालय में मिली थी, तो मैंने दो पुस्तकों का ही अध्ययन किया था, एक इसका किया था एक दूसरी थी, तो तब मुझे पता लगा, तो मैं जब खोज कर रही थी तो मुझे, मैंने एक वीडियो सुना था तो जिसमें मुझे पता लगा कि ये अंग्रेजी लिटरेचर में पढ़ाया जाता है, उस पर बात होती है, जैसे मैंने वहीं से खुशवंत सिंह का जो सुना था कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजी साहित्य पर जो लाला हरदयाल जी की लेखनी है उसका बहुत प्रभाव है। सर, ई कॉमर्स साइट पे भी ये पुस्तक अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट वगैरह हाँ पे पुस्तक अवेलेबल है। एक प्रश्न समिता मिश्रा जी का है, सुमित प्रश्न, ये लाला हरदयाल जी सैन फ्रांसिस्को से भारत के सहयोग प्रदान कर रहे थे, शायद ये पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से वो सहयोग प्रदान कर रहे थे। मैम, इस पे अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें तो। एक बार फिर से बताएंगे क्वेश्चन। लाला हरदयाल जी बाहर रहते हुए किस तरीके से भारत का सहयोग कर रहे थे आजादी के आंदोलन में? हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनकी जो ओजस्वी वाणी है, ठीक है, यहाँ उनका लेख छपता था और उसके अलग अलग भारत की भाषाओं में, गुजराती में, मराठी में, हिंदी में, वो जब भारत में आते थे तो उसका प्रभाव भारतीय जनता पर पड़ता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में रहने वाले जो लोग थे उनकी लेखनी को पढ़कर अपनी नौकरियां छोड़ दिया करते थे, सरकारी नौकरियां छोड़ दिया करते थे, और जो कॉलेज के विद्यार्थी थे, कॉलेज के विद्यार्थी अपने कॉलेज छोड़ के देश की सेवा में लग जाया करते थे, तो ये लेखनी का प्रभाव था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो विदेशों में रहने वाले प्रवासी जो भारतीय थे, माने जो भारत छोड़कर अब विदेशों में बस गए थे, हम विदेशों में आज भी क्यों जाते हैं, हम जाते हैं कि भाई हम अच्छा जीवन जिए, खूब अमीरों की तरह रहें, लेकिन वहां के लोगों को ये कहना कि नहीं हमारा देश तो आजाद नहीं हुआ, आप उनकी मदद करें, उनको कहना, उनको समझाना, ये आसान काम नहीं था। भारत के लोगों को, जो प्रवासी भारतीय थे, उनको ये समझाना, ये काम भी अपने आप में कोई छोटा काम नहीं है, और लोगों ने उनकी मदद की, लोग उनकी मदद के लिए आगे आए, तो ये अपने आप में देश के स्वतंत्रता संग्राम में कार्य करने के जैसा ही है, और बल्कि बहुत बड़ा काम है, क्योंकि देश में रहकर तो करने वाले कर ही रहे थे, उनको भी हम अपनी तरह से याद करते हैं, लेकिन क्या वो विदेश में रहकर कर रहे थे इसलिए उनको हम ना याद करें, तो मुझे लगता है कि ये तो फिर गलत बात होगी, उनके योगदान को हमें इस रूप में ही याद करना चाहिए। जी मैम, सर मैं रक्षा गीता जी से बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि शुरू शुरू में अगर हम पुरानी बातें करें, पुरानी मतलब लाला हरदयाल जी के बाद की बातें हैं, कि वीर सावरकर जी ने भी शुरू शुरू में इंग्लैंड में रह के ये काम किया, जी और बाकी अपने जितने क्रांतिकारी हुए, भीकाजी भिकाजी कामा, कृष्ण वर्मा, कामा, भीकाजी कामा जी, ढींगड़ा जी, ढींगड़ा जी का पूरा जितेंद्र नाम मेरे है जी, मैडम भीकाजी श्याम, कामा, श्याम जी हाँ, कृष्ण वर्मा, तो ये जितने भी थे उन्होंने कृष्ण वहां पे रह के ये काम किया, और वर्मा वहां से या तो जैसे आपने बताया कि लेख लिख के यहाँ आते थे, या यहाँ तक कि सावरकर जी की जो पुस्तक उन्होंने लिखी 1857 का स्वतंत्र संग्राम, ये तो ब्रिटिशर्स ने छपने के पहले बैन कर दी, वो इतना डर गए थे, डर गए थे। और ये पुस्तक और ये पुस्तक लिखी गई इंग्लैंड में, ये भारत में नहीं लिखी गई, तो ये बात अगर कोई सोचे तो मैं समझता हूं गलत ही सोचेगा, कि भाई लोगों ने बाहर बैठ के जो काम किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं नहीं समझता हूं ये सही बात है। लाला हरदयाल जी ने जो एक काम और जो मेरे को थोड़ा सा याद आता है, सैन फ्रांसिस्को की जितनी भी भारतीय कम्युनिटी थी जी उनको उसको सब कुछ, मोटा मोटी 100% उनके साथ हो गई, और केवल सैन फ्रांसिस्को की नहीं, मोटा मोटी बहुत से लोग पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, पूरे अमेरिका में बहुत से लोग उनके साथ जुड़ गए इस चीज के लिए, इसलिए लाला हरदयाल जी को बहुत बुलाया करते थे लोग कि आइए हमारे यहाँ आप लोगों से बातचीत कीजिए, उनको और समझाइए इसके बारे में, तो ऑल ओवर अमेरिका लाला जी
लेक्चर दिया करते थे अपने भारतीय संग्राम के बारे में, भारतीय भारतीय आजादी के बारे में। तो अगर वहां, और वो भारतीय, लाला जी तो नहीं आ पाए भारत, लेकिन वो भारतीय तो आते थे भारत, और आने के बाद यहाँ पे जो भी वो करते थे वो लाला जी की तो देन थी जिसकी वजह से वो लोग कर पाते थे। तो मैं इस बात से गीता जी से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जब उन्हें इसी संदर्भ में जब लाला जी को ये कहा गया कि आप गिरफ्तार होने वाले हैं, आप पेरिस चले जाइए, तो एक पल को उन्हें लगा कि ये तो भागना होगा, लेकिन फिर बाद में उनको समझ आया कि यदि भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं संग्राम और संघर्ष जो है अवरुद्ध हो जाएगा, और वो एक क्षण के लिए भी इसको विराम नहीं देना चाहते थे। क्योंकि जैसा कि आपने शुरू में बताया सर कि जो सेलुलर जेल है उसमें किस तरह से उनको मानसिक, शारीरिक के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी, बिल्कुल भीतर तक से तोड़ दिया जाता था, लोग पागल हो जाते थे, आत्महत्या कर लेते थे। तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति में आप टूट रहे हैं, उससे बेहतर है कि और भागना क्या है, ये पलायन करना नहीं है, संघर्ष को दूसरे सिरे से इसको प्रस्तुत करना है, तो हम इसे भागना नहीं कहना चाहिए हमें। अगर भागना कह रहे हैं तो ये आपकी सोच की गलत है, आपकी सोच ही गलत है जो आप इसे भागना कहते हैं। इनफैक्ट सच्चाई ये भी है कि जैसे अपने भारतीय दूसरे क्रांतिकारी थे, उनकी भी सोच यही थी जी, भैया आपने तैश में आके हमको ये नहीं करना है कि हमने किसी को मार दिया और सामने आके खड़े हो गए, हमें गिरफ्तार कर लो। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी कि अगर हम जीवित रहेंगे तो हम क्रांति के लिए, भारत की आजादी के लिए काम कर सकते हैं, अगर हम ही जीवित नहीं रहे तो हम तो काम नहीं कर सकते। तो उसी भगत सिंह जी जान के वो गिरफ्तार हुए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मैंने जो काम किया है वो ऐसा काम नहीं है कि मेरे को फांसी मिलेगी, अल्टीमेटली उनको मिल गई, लेकिन उनका बेसिक पर्पस था कि मैं कोर्ट में जाके अगर मैं कुछ बोलूंगा तो अखबारों में छपेगा, सारे भारत में जाके उसकी जो है लोगों को पता चलेगा। तो उसका सारा पर्पस था लोगों को अवेयर कराने का। तो ये काम बहुत जरूरी है, अवेयर कराना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम के लिए, नहीं तो क्रांति फैल ही नहीं सकती है बिना। मेरे को याद है एक बार मैंने कहीं पढ़ा था और बाद में मैंने इसी अपने चैनल के अंदर ही मैंने बात करी थी, 1857 का संग्राम जिसके लिए हम सारा श्रेय जो है वो मंगल पांडे को देते हैं, उसको तो कोई श्रेय है ही नहीं। सारा श्रेय तो तांतिया टोपे आदि तीन चार व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी वर्षों से प्लानिंग करी थी और सारे भारत में घूम घूम के लोगों को अवेयर कराया था। बिना अवेयरनेस के वो इतनी बड़ी क्रांति सारे भारत में, जब कहां कोई कम्युनिकेशन, कोई चैनल ही नहीं है, उस समय इतनी बड़ी क्रांति हो जाना आसान चीज नहीं थी। तो ये सारा का सारा काम अवेयरनेस का है, सारा का सारा काम प्लानिंग का है। तो जो बात बताई लाला हरदयाल जी की, अवेयरनेस कराते थे और ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने बहुत बड़ा रोल खेला है इस चीज के ऊपर। जी सर। सर एक चीज मैं कोट करना चाह रहा हूँ, हमारी अमृत महोत्सव की अगली कड़ी 27 फरवरी को वासुदेव बलवंत फड़के नामक क्रांतिकारी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे डॉक्टर गंगाधर चाटी जी, तो आप लोग जरूर सुने वासुदेव बलवंत फड़के के विषय में, उनको सशस्त्र क्रांति का पितामह भी कहा जाता है, और उनके विषय में डॉक्टर गंगाधर चाटी जी आपको विस्तृत रूप से उनके विषय में जानकारी देंगे। आज की कथा लाला हरदयाल जी की हमने जो सुनी गीता जी के माध्यम से, रक्षा गीता जी के माध्यम से, वो बहुत ही गौरवपूर्ण गाथा है। रक्षा गीता जी को हम लोगों ने समय नहीं दिया इसलिए उन्होंने बहुत संक्षेप में इस बात को बताया, लेकिन अगर आप वो पुस्तक पढ़ें हरदयाल जी की, जो मैंने इसके पहले मैंने आपको दिखाई थी भुवन लाल जी की, इतना गौरवान्वित उनका चरित्र है, इतनी मेहनत से भरा हुआ उनका चरित्र है, उनका सारा का सारा मन केवल देश और देश और देश सेवा के लिए लगा हुआ था। आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, तब आपको रियली मालूम चलेगा लाला हरदयाल जी का चरित्र क्या था।
तो दोस्तों, हमारे क्रांतिकारियों का चरित्र जो विवेक जी के माध्यम से इस चैनल पे आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा ये इतिहास है, हमारा ये गौरवपूर्ण इतिहास है। अगर हम जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो हमारे मन में भी हमारे क्रांतिकारियों के लिए एक गर्व आएगा। हमारे खुद के मन में ये जागृति हो सकती है कि राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं। गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे हर व्यक्ति राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, क्रांतिकारियों का इतिहास अगली कड़ी 27 फरवरी शाम 4:30 बजे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो, आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों से, परिवार वालों से साझा जरूर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल, आप प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। RH डालमिया चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकॉन दबाना जरूर याद रखिएगा, अगर वो नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों, अगले रविवार शाम 4:30 बजे दोबारा मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक के लिए जय हिंद।